हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फुटिंग और उसके यूज़ के बारे में। इसे हम फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन भी कह सकते हैं। फुटिंग का यूज हम जब करते हैं जब हमें स्ट्रक्चर का लोड सॉइल पे ट्रांसफ़र करना होता है। फुटिंग करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, सॉइल कंडीशन और सुपर स्ट्रक्चर। सॉइल कंडीशन का मतलब वहाँ की सॉइल लूज है, सॉफ्ट है या हार्ड है, और सुपर स्ट्रक्चर मतलब हाई एज बिल्डिंग बनानी है या लो राइज। पहला है वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें वॉल के लोड को ग्राउंड तक ट्रांसफ़र करना होता है। इसके बाद आता है स्पीड फुटिंग। स्पीड फुटिंग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब स्ट्रक्चर के लोड को वाइड एरिया पर ट्रांसफ़र करना होता है। इसके बाद है आइसोलेटेड फुटिंग। इट इज स्क्वायर, सर्कुलर और इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर स्लैब और यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड अंडर ईच कॉलम। इसके बाद है स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें लोड को बिलो द ग्राउंड ट्रांसफ़र करना होता है और जब कॉलम को सॉइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाना होता है, जब हम स्टेप फुटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग जब कॉलम बहुत पास होते हैं और उनकी फुटिंग ओवरलैप कर रहे होते हैं आपस में, तब हम कंबाइन फुटिंग का यूज करते हैं। सॉइल लो बेयरिंग कैपेसिटी एंड रिक्वायर मोर एरिया एंड कॉलम एंड ओराहो प्रॉपर्टी लाइन पे जब हम कंबाइन फुटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग आर यूज्ड इन कंजक्शन विद कॉलम ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। राफ्ट और मैट फुटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं जब स्ट्रक्चर हेवी हो और उसे सॉफ्ट मैड अप ग्राउंड पर करना हो। इसके बाद है स्लो फुटिंग। जब लोड अनइक्वल हो और फुटिंग हम फिक्स हो और सॉइल लूज हो, जब हम स्लो फुटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद है पाइल फुटिंग। पाइल फुटिंग आर यूज डीप फाउंडेशन वेयर द सॉइल इज वेरी वीक एंड हैज हायर ग्राउंड वाटर टेबल। जहाँ पर हायर ग्राउंड वाटर हो और सॉइल वीक हो, वहाँ पर हम पाइल फुटिंग का यूज करते हैं। Yeah.